नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रदेश के मतदाताओं के नाम एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के जरिए इन्होंने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पत्र के जरिए जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर कहा है कि किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे, उन्हें कुचलने का प्रयास हुआ। इन 5 सालों में दलितों पर अत्याचार और महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि बीते 5 सालों में सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी रहे हैं। सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बांटने का काम किया। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने जनता से स्नेह और समर्थन देने की मांग की है। जयंत चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है कि वो सदैव जनता के हितों के संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे। जयंत चौधरी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि कोरोना के इस कठिन समय में अपना और अपनों का ध्यान रखें, आप सभी सकुशल होंगे ये मैं आशा करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर करेगा। जयंत चौधरी के मुताबिक पश्चिमी यूपी सिर्फ जाटों की वजह से महत्व नहीं रखता है। बीजेपी यहां पर समाज के लोगों को बांटने का काम कर रही है। असल मुद्दों पर बहस नहीं है, सिर्फ 80 बनाम 20% की बात हो रही है। जयंत ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी और अमित शाह के ऑफर को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।